श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ज्येष्ठ पुत्र पंडित राघव जी मिश्रा की कथा 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो 5 दिवस तक चलेगी। लेकिन कई शिव भक्त जो राघव मिश्रा जी की कथा को सुनना चाहते हैं, असमंजस में है कि कथा कौन से चैनल पर और कितने बजे आएगी। तो चलिए आपको बताते हैं, पंडित राघव मिश्रा जी की जो कथा है कुबेरेश्वर भंडारी की व्यासपीठ से सुनाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें, कथा को क्यों लाइव नहीं किया गया। पंडित राघव मिश्रा जी की यह भक्तों के सामने पहली कथा है, जो कि शुरुआत है। शुरुआत में कई छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती है, और जैसा कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा भी है, अगर भूलवश कोई गलती हो भी जाती है तो समझना कोई तोतरी भाषा में आपका बेटा बोल रहा है और माँ उसको माफ करती जा रही है। दर्शकों, जितने भी बड़े टीवी चैनल होते हैं वो बड़े बड़े कथावाचक ही लाइव कथा प्रसारित करते हैं, और पंडित राघव मिश्रा जी की अभी शुरुआत है, इसलिए आपको कथा लाइव नहीं दिखाई गई। लेकिन गुरुदेव ने कुछ वीडियो शेयर की है, जो आप देख भी सकते हैं। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।